आम आदमी पार्टी के चोण प्रचार कमेटी के चेयरमैन अमन अरोड़ा अमृतसर पहुंचे। इस दौरान अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में पार्टी को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रही है। उन्होंने कहा कि जेकर उन्होंने उम्मीदवार जित के संसद में जाते हैं तो किसान नौजवान व्यापारियों का ना सिर्फ आवाज़ बुलंद करेंगे बल्कि आम लोगों की समस्यावां भी हल करेंगे। बीजेपी कैंडीडेट तो अमृतसर वाले बेहतर दस सकते हो, मैं दस रहा। देखो बीजेपी का जितने तक सवाल है, बीजेपी जे जो जुमले नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहला छड़े सीगे और वो जुमले तो बाकी सारे मुल्क दे विच कल्ले जुमले सी, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख हर किसी खाते में आएगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, स्किल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, ये सारा कुछ छड़ के राजनीति उन्होंने की है। कौन की खाऊगा, की पहनूगा तो की कहूगा, इस करके अज वह माड़ी हालत दे विच ने। और स्पेशली वो कहते जिमें एक तो करेला उपरों निम चढ़िया, सोने के सागा उपर पंजाब दे विच अकाली दल ने फेर रखे, उन्होंने ये समझ नहीं आ रही है कि जिहड़े 3 सीटां ने उन्होंने उपर जमानता जब्त होने के डर दी वजह करके बीजेपी आपदे 3 कैंडीडेट है जिहड़ा वो ऐलान दे विच असफल हो रही। देखो इस तरह के जिहड़ी चोण मुहिम है, चोण मुहिम जिवें जिवें दिन नेड़े आउणगे, साडे तां कैंडीडेट 6 महीने तो डिकलेयर ने, असीं सुनो असीं डोर टू डोर कर थके नहीं है, ये आम आदमी है, भजूगा जिवें जिवें टाइम नेड़े आऊगा, जिवें जिवें टाइम नेड़े आऊगा चोण मुहिम होर तेज़ होगी। पर डेफिनेटली यस, साडे कोल जिवें मैं पहला कहा उन्हां वांगू वड्डे होर्डिंगां वड्डियां एड्स नूं मैनेज करन दे लई तां नहीं साडे कोल पैसा हैगा, साडी जिहड़ी ऑन फुट जिहड़ी साडी साडे सिपाही ने वो डोर टू डोर जा रहे ने, पार्टी दीआं नीतियां दस रहे ने। आने वाले समय के लिए मुहिम है जी होर तेज़ होएगी और ये वधिया रिजल्ट ने जो देखने।